हेलो नमस्कार दोस्तों, 29 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार हम नज़र मार लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ा वाला आर्टिकल दिया गया है मेन पेज पे, ये आर्टिकल आया है इंडिया और यूएसए के बीच में जो 2+2 डायलॉग होना था उसको लेकर भी लगातार पोस्टपोन होने की बातें आ रही हैं, उसको लेकर इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। तो मैंने डिस्कस करेंगे कि क्या अभी यूएसए और इंडिया के बीच में चल रहा है, क्या हालात वगैरह हैं, वो हम कुछ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है किसानों की इनकम भाई बढ़ाने के लिए बात की जा रही है कि प्राइस बढ़ाने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, किसानों की इनकम बढ़ानी होगी, तो उस चीज़ पे फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है साइड में छोटा आर्टिकल, ये आर्टिकल आया है कि इंडियन रुपीज़ है वो लगातार श्रिंक होता जा रहा है, मतलब इंडिया का जो रुपया है वो काफ़ी वीक होता जा रहा है कंपेयर टू अदर करेंसी, जैसे डॉलर ले लो चाहे यूरो। तो इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये टेक्टोनिक शिफ्ट के बारे में है। इस आर्टिकल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक्चुअली यूएसए से रिलेटेड है, तो कुछ खास पॉइंट है नहीं, तो इसे हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है कि भाई जो फुटबॉल है वो इंडियन फुटबॉल की बात की जा रही है यहाँ पे, कि वो टॉप लीग है वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसके लिए क्या क्या करने वगैरह की बात की जा रही है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने लायक तो है नहीं कंटेंट। देखो इसमें यही बात की गई है कि फुटबॉल है उसको टॉप लीग बनाया जाए नहीं बनाया जाए, क्या हमें करने वगैरह है। तो इसमें हाईएस्ट के पॉइंट में ये पॉइंट तर्क दिया गया है कि देखो भाई ये फुटबॉल वर्ल्ड कप तो हो गया कोई बात नहीं, अब 2026 का जो वर्ल्ड कप आएगा आगे उसके लिए हमें पहले से कमर कस लेनी चाहिए और एकदम तैयार रहना चाहिए, काफ़ी टीम वर्क वगैरह करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट हो मिल सके और फुटबॉल के एरिया में हम महारत है वो हासिल कर सकें। ये बातें इस यस के पॉइंट में इनके द्वारा कही जा रही है कि भाई देखो अभी तक जो हो गया वो तो कोई बात नहीं, आगे हमें कदम बढ़ाते हुए अगर आगे चलेंगे तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो हमारी मुट्ठी में होगा। ये बातें इनके द्वारा कही जा रही है कि ग्राउंड लेवल पर हमें ये काम है वो करने हैं। फिर इन भाई साहब का ये कहना है नो के फेवर में कि देखो बात ऐसी है कि फुटबॉल का जो आप फीफा की बात कर रहे हो वर्ल्ड कप क्या फुटबॉल की, वो इतना इजी नहीं है। आप केवल सपने देख रहे हो कोरे कोरे कि हाँ भाई हम फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतेंगे ये करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे, जब तक आप टीम वर्क पे काम नहीं करोगे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। जैसे कि आप लोगों ने बात की कि हाँ भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना, भाई जीतना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है पहले आप टीम तो बनाओ, टीम तो प्रिपेयर करो, टीम तो आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में टिक सके। कहीं ऐसे क्योंकि आपकी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप में जा ही नहीं रही और आप सपने ले रहे हो कोरे, तो केवल कोरे सपने लेने से कुछ नहीं होने वाला है। 2010 के अंदर भी हमने इस तरीके के स्टेप उठाने की बात की थी बट फिर भी हमने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे केवल कोरे सपने देखने से कि भाई 2026 में वर्ल्ड कप आएगा और हम जीत लेंगे ये करें, इतना आसान नहीं है। हमें अभी फोकस करना चाहिए टीम वर्क पर, हमें टीम तैयार करनी चाहिए जो एक अच्छी टीम हो और ताकि कंपटीशन है उसको निपट सके, उसके माहौल फिर आगे हम काम कर सकते हैं। तो हमें टीम वर्क पर फोकस करना है ना कि भी वर्ल्ड कप के सपने पर। ये इनके द्वारा पॉइंट चलते हैं। फिर बैलेंस पॉइंट में काफ़ी अच्छा कंक्लूजन इन्होंने दिया है। इनका ये कहना है देखो भाई इंडिया में टैलेंट बहुत है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 2026 का वर्ल्ड कप हो या जो वर्ल्ड कप हमारे पास नहीं आ सकता, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लोगों में कूट कूट के भरा हुआ पड़ा है, जैसे कि हम देखते हैं फेसबुक वगैरह पे किस तरीके से लोग लगे रहते हैं। इसके बाद में इनका ये कहना है कि देखो राजनीति को दूर रखना होगा, सबसे पहली बात यह है, जब तक राजनीति खेलों के अंदर घुसती रहेगी तब तक कोई काम नहीं होने वाला। तो एक तो हमें राजनीति को यहाँ से दूर रखना होगा। जिस तरीके से देखो क्रिकेट आज के टाइम पे हर युवा की एक फेवरेट चॉइस बन गई है, उसी तरीके से अगर हमें फुटबॉल को बनाना है तो फुटबॉल के लिए हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, स्पोर्ट्स के लिए अकेडमी खोलनी होगी, हमें जगह जगह पर इसको प्रमोट करने के लिए कंपटीशन कराना होगा, टैलेंट है उसको सामने लाना होगा। ऐसा नहीं है केवल हम नेपोटिज्म की चीज़ों को बढ़ावा देते हुए केवल फुटबॉल के वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं। हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर देखना होगा गाँव में जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना होगा, तभी हम अच्छा रिजल्ट है वो पा सकते हैं। इसके बाद में बात की जा रही है देखो पॉलिसी बनाने से स्कीम बनाने से कोई सोल्यूशन नहीं होता, जब तक हम ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ग्राउंड लेवल देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई ठीक है, अब स्कीम बनाने से सोल्यूशन थोड़ी हो गया, स्कीम इंप्लीमेंट कैसी हो रही है वो डिपेंड करता है ना। देखो स्कीम जितनी अच्छे से इंप्लीमेंट होती है उतना अच्छा काम होता है। जैसे कि आप एक बेसिक से एग्जांपल दे सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के आप कंपेयर करोगे तो गवर्नमेंट आप एग्जाम्पल ले लो, चलो एक बैंक का ले लेते हैं, गवर्नमेंट चाहे एस बी आई का एग्जाम्पल ले लो या फिर एक एस डी एफ सी का, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। हम जब भी एस बी आई बैंक में जाते हैं तो उसकी हालत कितनी खस्ताहाल मिलती है, जबकि ऐसा थोड़ी कि वहाँ पर पैसे कम खर्च नहीं होते हैं, पैसे वहाँ पर कंपेयर टू प्राइवेट ज़्यादा खर्च होते हैं मेंटेनेंस वगैरह में हर चीज़ में, बट फिर भी वहाँ इतना सफाई वगैरह का मैनेजमेंट काम ढंग से नहीं होता। जबकि प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं तो इतना लगता है जैसे किसी मॉल में आ गए हो, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। मतलब क्या है कि पॉलिसी जो बनाई गई है उनकी उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। गवर्नमेंट वाले में क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी का काम नहीं होता है, हाँ भाई ठीक है ये फाइल उसको भेज दो वो ऑफिसर होगी तब ये काम होगा, मतलब क्या है काम लटकते रहते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें क्या है कि स्कीम वगैरह जब बन रही है ना उसमें हमें अकाउंटेबल बनाना होगा रिजल्ट आने के लिए। ऐसा नहीं कि स्कीम बना के छोड़ दी हम आँख बंद करके कि हाँ ठीक है चलती रहेंगी, नहीं वापस और बना देंगे।
नई स्कीम बनाने से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हमें पुरानी जो स्कीम है उनमें देखना चाहिए कि गलतियाँ हो कहाँ रही है। जब तक हम रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई हम फुटबॉल वर्ल्ड कप में आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, राजनीति को फुटबॉल से दूर रखना होगा, तभी हम एक अच्छा रिजल्ट है वो पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, और इसी के साथ पॉलिटिकल विल की जरूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक तरीके से पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि हाँ भी हमें कुछ काम करना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आँख बंद के बड़ी कि हाँ ठीक है देख लेंगे जो हो रहा है होने दो, इससे कुछ काम नहीं होने वाला है। हमें ग्राउंड लेवल के ऊपर सिचुएशन को देखते हुए कि रीजंस आइडेंटिफाई करने होंगे कि हमारे कौन से रीजंस हैं, उसकी वजह से हम लोगों को स्किल नहीं दे पा रहे हैं, टैलेंट नहीं दे पा रहे हैं, उन रीजन को हमें आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन है वो निकालना होगा। तो एक कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है। चलते हैं तो अब आगे हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई फार्मर की हालत के बारे में। देखो आर्टिकल में सबसे पहले बताया गया कुछ इस तरीके के इशू की फार्मर के इशू के हैं, तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड के साथ बताऊं। हमारे देश के अब तो कि एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। इसके साथ लगभग 50% लोगों को रोज़गार वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। अब ऐसे में क्या है, आप देखो किसी प्राइवेट जॉब को गवर्नमेंट जॉब को आप किसानों की जॉब को आप इससे कंपेयर कर सकते हो। इंडिया में क्या है कि जब भी कोई कहता है कि हाँ भाई मेरे घर में फार्मर है, मैं फार्मर हूँ, तो क्या है कि लोग उसे काफ़ी नीची नज़र से देखते हैं कि यार पता नहीं फार्मर है तो गरीब होगा, ये है वो है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फार्मर की इनकम वो स्टेबल नहीं है। देखो अगर किसानों के लिए आप जो MSP वगैरह कह रहे हो इनकी प्राइस बढ़ाने से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, इनके लिए फिक्स इनकम तो होनी चाहिए ना किसानों के पास कि हाँ भाई मंथली इनको 20,000 रुपये तो मिल रहे हैं ताकि अपनी रोजी रोटी और अपना जो काम तो चला सकें। जब तक इनके पास इनकम फिक्स नहीं होगी तब तक ये काम कैसे कर पाएंगे? प्राइस ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, प्राइस से तो सोल्यूशन निकल सकता है। हो सकता है कि बार किसान की फसल खराब होगी, ऐसे माहौल में प्राइस का क्या मतलब रहा? एक किसान के 100 क्विंटल गेहूँ थे वो ऐसे कैसे खराब हो गए? तो प्राइस से थोड़ी सोल्यूशन निकला। अगर उनकी इनकम फिक्स होगी हाँ भाई ठीक है आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, आपकी मंथली इनकम इतनी आपको तो गवर्नमेंट दिया जाएगा, तो वैसे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फिक्स है वो करना चाहिए, तभी किसानों की इनकम का सेटलमेंट जो हो सकता है। अभी तक देखो इतनी सारी गवर्नमेंट है सब कहते हैं हम किसानों के लिए काम करेंगे वो करेंगे, पर ग्राउंड लेवल पे चीज़ों की तरफ फोकस करना काफ़ी अहम हो जाता है। इंडिया में फार्मर की हालत तो वो अच्छे सुधरने की बजाय खराब होती दिन प्रतिदिन ज़्यादा जा रही है। लोन वेवर से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, किसानों का आप 100 टाइम के लिए लोन माफ़ कर दोगे उससे सोल्यूशन थोड़ी निकलता है। प्रॉब्लम तो जड़ तक जाना होगा हमें। जब तक हम रूट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे दिक्कत हो कहाँ से रही है, तब तक सोल्यूशन थोड़ी होने वाला है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई देखो ग्राउंड लेवल पर जो रिजल्ट है ना कभी तो ठीक आते हैं कभी घटिया आते हैं। देखो आप एक चीज़ देख सकते हो, जब भी फसल ज़्यादा अच्छी होती है किसानों की, मतलब पैदावार ज़्यादा अच्छी हो गई है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है, उस कंडीशन में आपको पता है ऑब्वियसली दाम गिर जाते हैं। तो किसानों ने मेहनत की खूब अच्छी खासी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके, तो होना क्या चाहिए था, उनको ज़्यादा दाम मिलने चाहिए थे ताकि वो अपनी इनकम बढ़ा सकें, बट होता क्या है इससे उल्टा। जैसे आप ये देखो कोई भी आदमी अगर कहीं जॉब कर रहा है किसी भी सेक्टर में आप ले लो, तो आपको पता है जो ही वो अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है, ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है। तो भाई किसानों को क्यों नहीं मिलती? अगर किसान अपनी खेती के लिए डबल काम कर रहे हैं ट्रिपल गुना मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी तो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए ना, जबकि होता उल्टा है। यहाँ पे किसानों को पैसा कम और मिलता है, उनकी अगर उनकी पैदावार बढ़ जाती है ना तो उनको पैसा बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट घुस जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाने होंगे। देखो आप ऐसा नहीं कह सकते कि है ना गवर्नमेंट सारा काम है वो एक तरीके से किसान ही कर पाएंगे या किसानों को इन प्रोडक्शन है वो करना चाहिए। किसानों का काम क्या है कि फसल को प्रोड्यूस करना, तो या तो गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव वगैरह देना चाहिए, उस तरीके गवर्नमेंट को कुछ स्टेप हैं उठाने चाहिए। इसके बाद में बात की जा रही है कि मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन है उस पर बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसानों को मिनिमम जैसे कि मान लो कि इस बार कुछ भी ओलावृष्टि या कुछ भी हो जाती है तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, उस कंडीशन में भी किसानों को क्या है अगर उनके पास गेहूँ है जो भी है तो उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो उससे उनको कुछ भी नहीं होता। मतलब एक तो कंगाली में आटा गीला वाली बात वो हो जाती है, तो मतलब कहीं ना कहीं काम वो नहीं बन पा रहा है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसानों के पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है उस कंडीशन में भी फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्केट में दाम गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है आप इतनी मतलब आपका खेत 10 एकड़ है 5 एकड़ है तो आपको इतनी पैसे मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए इस तरीके का। अगर एकड़ के बेसिस पर नहीं ला रहे हो तो कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म होनी चाहिए ना ताकि किसानों को उनका जो बेसिक बेनिफिट है वो मिल सके। इसके बाद में बात आ रही है कि देखो गवर्नमेंट के द्वारा 3 काम किए जा रहे हैं, तीन स्कीम लेके आई गई हैं, बट तीनों ही स्कीम है उनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक तो आ रही है प्राइस सपोर्ट स्कीम है, इसमें भी कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी असंदिग्धताएं हैं और जितना रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसके बाद में आती है मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड। देखो प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है उसके द्वारा भी किसानों की जो इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है। हमें फोकस करना है किसानों की इनकम पे। ये सारे जो काम गवर्नमेंट कर रही है ना कि मार्केट इन्वेस्टमेंट जो स्कीम है, इंटरवेंशन स्कीम है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है,
प्राइस सपोर्ट स्कीम है, ये सारी क्या करती है, प्राइस बढ़ाने की तरफ फोकस करनी है कि जैसे कि एक किसान है उसको अगर 10 किलो उसके एक क्विंटल अगर उसके पास गेहूँ रहे तो ठीक है उसको 2000 रुपये दे दिए जाएंगे। इन रुपये देने से सोल्यूशन नहीं होगा, किसानों की आप इनकम फिक्स करो ना भाई, किसानों के पास इनकम होनी चाहिए। अब देखो अगर गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देती है तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा होगा केवल और केवल बड़े किसानों को। जैसे कि किसी किसान के पास 100 क्विंटल अनाज हुआ है, अगर गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देती है तो उस किसान को तो बेनिफिट हो गया, बट आप वहीं देखो कि जिस किसान के पास कम जमीन है, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है या जो 5 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसके क्या होगा, उसको तो कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसी मैकेनिज्म लेके आने चाहिए कि जो किसानों के बीच में जो गैप है ना, देखो बड़े किसान है जिसके पास काफ़ी बड़ा कैंट है उसके पास तो प्रॉफिट ज़्यादा है अभी, और जिनके पास छोटे किसान है आप बोल सकते हो कि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है ना, इनको इन स्कीम का बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को एक तो ये करना चाहिए कि भाई ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन देखनी चाहिए कि इनको बेनिफिट कम क्यों मिल रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी सारी कमेटियाँ थी, स्वामीनाथन कमेटी आई थी किसानों के लिए, काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए थे बट फिर भी प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। एमएसपी का बड़ा इशू रहा था कि एमएसपी का काफ़ी बड़ा इशू रहता है, देखो कई बार तो एमएसपी का इशू ये रहता है, आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट क्या कहती है एमएसपी के लिए, या तो कहती है कि जो भी किसानों की कॉस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग उनको 1.5 गुना मिल जाएगा। अब किसानों की कॉस्ट कौन सी काउंट होती है भाई, कि जो किसान ने अगर कोई ये मान लो कि कोई भी किसान है किसी ज़मीन पर खेती कर रहा है, उस ज़मीन पे जो खेती करा है तो जो रॉ मटेरियल वहाँ पे लगा है वही थोड़ी कॉस्ट में काउंट होगा भाई। उस किसान की जो फसल है वो भी जो सॉरी उस किसान की जो ज़मीन है वो भी तो एटलीस्ट उसमें काउंट करनी चाहिए ना कॉस्ट वाले में। अब देखो किसी इंसान के पास 10 हेक्टर ज़मीन है और वो प्रोडक्शन कर रहा है हर साल 1 लाख रुपये का, तो कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ भाई। आप ये देखो ना किसान की 10 एकड़ ज़मीन है उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग तो उसे बेनिफिट होना चाहिए ना। अदरवाइज तो फिर किसान ज़मीन को बेच के कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही करेगा तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को एमएसपी के इश्यू पे भी दूर करना चाहिए कि भाई किसानों को प्रॉपर 1.5 गुना जो बेनिफिट की बात की जा रही है ना वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड होता है ना इसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट किसानों को मिलना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग एमएसपी नहीं होगी तब तक किसानों को फायदा नहीं होने वाला, ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद में आ रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का सीन कुछ ऐसा है कि अगर इस पॉलिसी को ढंग से यूज किया जाए ना तो बहुत फायदा होता है। जैसे कैसे आपको बताता हूँ कि ये मान लो कि इस बार गेहूँ की इस बार मान लो अभी बाजरे का टाइम तो बाजरे की फसल काफ़ी अच्छी हो गई, या आप किसी भी और एग्जांपल ले लोगे खरीफ की और फसल का कि इस बार खरीफ की फसलें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस टाइम पे गवर्नमेंट को इंपोर्ट बैन कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए इंपोर्ट बढ़ा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंपोर्ट को बहुत महंगा कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे अगर इंपोर्ट एक तरीके से आप बोलोगे कि महंगा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया की चीज़ें ही बिकेंगी, बाहर की चीज़ें इंडिया में नहीं आएंगी, तो इससे क्या होगा किसानों की चीज़ें अच्छे खासे दामों में बिकेंगी और किसानों को बेनिफिट हो जाएगा। और अगर वहीं पर ये मान लो कि अगले साल बाई चांस अगर फसल ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को इंपोर्ट वो स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि किसान ना उन भूखमरी भी ना हो और किसानों का काम भी बनता रहे। बट गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट करती क्या, आजकल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जैसे लास्ट का एग्जाम्पल बताता हूँ, लास्ट ईयर गेहूँ की फसल काफ़ी अच्छी हुई, गवर्नमेंट ने क्या किया फिर भी इंपोर्ट को अलाउ कर दिया, तो भाई किसी और सस्ती होगी तो चीज़ें और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी तो किसानों को तो बेनिफिट हुआ ही नहीं ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं नुकसान ही किया ना। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, ढंग से काम नहीं कर पाती है, मतलब पॉलिसी बना तो लेती है बट उसको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाती है और वही कहीं ना कहीं नुकसान कर देती है किसानों के लिए। इसके बाद में बात आती है शुगर इंडस्ट्री की, बात की जा रही है कि देखो शुगर इंडस्ट्री में जो एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग होता है। इसके बारे में हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट को शुगर इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए और कि वहाँ पे जो किसान गन्ना देते हैं उनको पैसा वगैरह टाइम पे मिलता रहे, क्योंकि इससे देखो कई बार क्या होता है कि गन्ना जब खेतों से कट जाता है तो शुगर इंडस्ट्री तक पहुँचने में काफ़ी टाइम ले लेता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि गन्ने का जो रस है वो सूखने लग जाता है और उसमें चीनी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उससे शुगर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को या तो एक तो तुरंत पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई किसानों को पैसे की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ प्रावधान करना चाहिए ताकि किसानों को पैसा टाइम पे तुरंत मिल जाए। अभी देखा था किस तरीके से 6-8 महीने बाद गवर्नमेंट बकाया पैसा दे रही थी, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को प्राइस बढ़ाने की बजाय इनकम पर फोकस करना चाहिए ताकि किसानों की इनकम बनी रहे। जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ भाई मेरी मंथली सैलरी आती है, गवर्नमेंट डिप्लोमा या प्राइवेट हो जो भी हो, तो उसी तरीके से किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए ना ताकि वो अपनी ढंग से काम कर सकें भाई, सिक्योर हो सके ना। अब उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है पूरी लाइफ की, वो ऐसे काम मेहनत करते रहते हैं, कई बार मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कई बार फसल बर्बाद हो जाती है, कई बार और कुछ रीजन्स हो सकते हैं, तो हमें ग्राउंड लेवल पे काम है वो करना होगा। इसके बाद में बात की जा रही है कि तेलंगाना का जो फॉर्मेट है वो अप्लाई करना होगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेट ले रखा है कि पहले ही डिक्लेयर कर देती हैं कि हाँ भाई इस बार इस किसान के इतनी एकड़ ज़मीन के ऊपर हम इतने पैसे देंगे, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो हम 10,000
₹1000 देंगे आपको, चाहे आपकी फसल हो या ना, उससे में कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रावधान करना चाहिए। अल्टरनेटिव का कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या कर सकते हो भाई, खाने की चीज़ें तो खाने से ही पूर्ति होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप लोहे को खाने लग जाओगे। तो इसका अल्टरनेटिव नहीं खोजने की बजाय हमें इसमें रिफॉर्म लाने चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहाँ रिफॉर्म ला सकते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल हमारा हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि भाई रुपीज़ कमज़ोर होता जा रहा है, सीधी सी बात ये है। तो इसको हम देखते हैं कि सीन क्या है। सीधा सीधा इंडियन रुपी है काफ़ी डाउन जा रहा है, और अभी देखोगे तो आप तो रिसेंटली $1 में 69 रुपीज़ पहुँच गए हैं। तो मतलब रुपया काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। अब देखो करेंसी है वो लगातार सिंकिंग हो रही है। अब इससे क्या तो बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और कब क्या है, वो हम सारा सीन यहाँ पे देखते हैं। राइटर बता रहे हैं कि भाई देखो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में इंडिया शामिल हो गया है, इंडिया की जो रूपी करेंसी है वो, ये इंडिया की रूपी का सिंबल आपको बताइए। देखो इसको हम थोड़ा समझते हैं बैकग्राउंड के साथ। ट्रेड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जाता है इम्पोर्ट, एक हो जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, इम्पोर्ट का मतलब आयात। अब ट्रेड में दो चीज़ें हो गई, अब क्या कहाँ कहाँ का बेनिफिट होगा वो हम अभी देखेंगे। आप देखो पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पता है कि इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट कम करता है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको पहले यहाँ पे ध्यान रखना है। सारा सीन हम फिर आगे अपने आप समझ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो पेट्रोलियम चीज़ें हैं ये वगैरह इम्पोर्ट की ज़्यादा नहीं है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह हुई ये सब, तो एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं, पहला केस लेते हैं कि भाई रुपी कमज़ोर हो गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। रुपी कमज़ोर हो गया इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि एक डॉलर में सत्तर रुपीज़ हो गए, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको $1 का सामान है उनको ₹70 मिलेंगे, तो उसका बेनिफिट तो हो रहा है ना। अगर वहीं से वहीं मानो कि $1 है वो 70 की बजाय 80 का हो जाता है, तो उनको और बेनिफिट होगा एक्सपोर्ट करने वाले जो इंडिया के निर्यातक है वो, क्योंकि इंडिया के जो निर्यातक है एक्सपोर्ट हैं इनको तो इंडियन करेंसी में तो रुपया मिलता है ना बाद में, और जब ये कन्वर्ट करेंगे डॉलर टू इंडिया तो अगर रुपये में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही बेनिफिट होगा इनको। तो जब भी रुपया एक तरीके से कमज़ोर होता है ना तो एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ता है ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि रुपया स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मान लो कि अभी डॉलर है 70 है मान के चल लो, ठीक है अभी डॉलर की रेट होगी 60, तो इसका मतलब क्या हुआ हम ₹60 देंगे तब हमें $1 मिल जाएगा। इसका मतलब सीधा क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर हमें $1 मिल रहा है तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें ₹60 मिलेंगे, तो नुकसान हो रहा है ना कहीं ना कहीं। यहाँ तो देखो बढ़ रहे थे यहाँ कम हो रहे हैं, तो मतलब रुपी जब कमज़ोर होता है तो उसमें एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है, और रुपी जब स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें एक्सपोर्टर को लॉस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया है वो इम्पोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट कम करता है, तो पहले वाले केस को लेके चलो कि रुपी कमज़ोर है ओबियसली एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो रहा है, एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो रहा है ओबियसली इम्पोर्टर को लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब इम्पोर्टर को लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया तो आपको पता है कि इम्पोर्ट करता है ज़्यादा, तो मतलब रुपया कमज़ोर होते ही इंडिया को लॉस होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया है वो इम्पोर्ट ज़्यादा करता है चीज़ें एक्सपोर्ट कम करता है, तो एक्सपोर्ट वाली चीज़ का इफेक्ट इंडिया पे नहीं पड़ता, इम्पोर्ट का इफेक्ट पड़ता है। अब रुपया कमज़ोर हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे इम्पोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए इंडिया की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे दोबारा से आपको समझते हैं, देखो इंडिया की इकोनॉमी है वो आपको पता है कि इम्पोर्ट पे ज़्यादा फोकस करती है और इम्पोर्ट ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे। अब जो ही अगर रुपया कमज़ोर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट तो इंडिया का बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट घटेगा। अगर इम्पोर्ट घटा तो साफ साफ मतलब क्या हुआ, मतलब महंगा हो जाएगा यहाँ पे, घटने के बजाय यहाँ क्या महंगा हो गया, तो महंगा होते ही सीधी सी बात क्या हुई, हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, मतलब हर चीज़ें इम्पोर्ट करें वो महंगी हो गई हमारी, तो ऑल ओवर हमें तो नुकसान हुआ ना। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो इससे नुकसान हमें, हमारे इम्पोर्टर कंट्री इसलिए नुकसान हो रहा है। चाइना को बेनिफिट क्यों होता है, देखो आपके लिए एक चीज़ नोट की, चाइना को जब भी जो चाइना की करेंसी है वो चाइना जानबूझ के एक तरीके से उसको काफ़ी सस्ती करता है, क्यों करता है क्योंकि चाइना इम्पोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, और चाइना की एक कंट्री वो एक्सपोर्ट कंट्री है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है चीज़ें, इसलिए उसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट होता है, और इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा करती है तो उसको रुपी लॉस कमज़ोर होने पर उसको नुकसान होता है। तो ये डिफरेंस है इंडिया और चाइना के बीच में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात की जा रही है करंट अकाउंट डेफिसिट की, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात यह कि अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है GDP का 1.9%, और राइटर का कहना है कि अगर यही हालात रहे ना तो ये 2 से भी ज़्यादा चला जाएगा अगले साल, जो कि कहने की हमारी इकोनॉमी को चरमरा देगा। इसके बाद में बात की जाती है ट्रेड वार की, ट्रेड वार से देखो कैसे लॉस हो रहा है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं USA की, क्योंकि आपको पता है कि मेनली सारी कंट्री की इकोनॉमी USA से इफेक्टिव होती है। देखो USA की जो आप हो सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ के इन्वेस्टर्स को वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होने लग जाएगा। ये मानो कि USA की कोई कंपनी है, ये कोई भी कंपनी ले लो आप, ये गूगल का एग्जांपल ले लो, चलो गूगल USA की कंपनी है, वो एक्चुअली वहाँ पे इन्वेस्ट करिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होगी इसका मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा फायदा हो रहा है तो गूगल ओबियसली इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करने की सोचेगा, वो सोचेगा कि यार मैं इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करूँगा, इंडिया की वैसे पता नहीं करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, क्या भरोसा, अगर इतना प्रॉफिट मेरे को USA में हो रहा है तो मैं क्यों ना कर देता हूँ, तो USA में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसलिए इंडिया में FDI वगैरह कम हो जाती है।
दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको। जैसे कि आप ये मान के चलो कि अभी ट्रंप ने आपको पता ट्रेड वॉर चला रखा है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी बना रखी है, तो उससे भी क्या नुकसान हो रहा है वो हम देखते हैं। प्रोटेक्शन की पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है उनका, कि यूएसए में खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया जाए और भारत का जो इंटरफेरेंस है वो कम किया जाए, ठीक है, कि बाहर से चीज़ें कम इंपोर्ट की जाएँ। अब यूएसए के अंदर के इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसए के जो लोग हैं या कोई भी है वो यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और बाकी रुपीज़ की, बाकी से रुपी हो जो भी हो, येन वेन वेन इनकी सबकी डिमांड है वो कम हो रही है। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है ओबियसली आप समझ गए हो कहीं ना कहीं कि उसको तो बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा और इंडिया को प्रॉफिट नहीं होगा। इंडिया को प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिन जो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यूएसए के, वो सोचेंगे यार हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, भाई यूएसए में हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था, हम यूएसए में पैसा वेस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इंडिया में कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रेड वॉर से भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, वो मैंने आपको दोनों एंगल यहाँ पे बता दिए हैं। अगला आर्टिकल है वो यूएसए से ही है, जिसमें इंडिया और यूएसए की बात की जा रही है 2+2 डायलॉग की। इसमें ये बताया जा रहा है कि देखो 2+2 डायलॉग होना था इंडिया और यूएसए की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री हम दोनों के बीच में, ताकि जो भी इश्यूज हैं वो हो सकें और रिलेशन को और ज़्यादा प्रगाढ़ता है वो प्रोवाइड की जा सके, बट लगातार ये पोस्टपोन होता जा रहा है। पहले कुछ रीजन दिया जाते थे, अब कुछ रीजन, तो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो कुछ रीजन सामने आए हैं कि इन रीजन की वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है वो सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसमें रीजन देखो सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है कि ट्रंप है वो कहीं ना कहीं खुद कन्फ्यूज है कि भाई होना क्या चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का जो पॉपुलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ना उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसकी वजह से सारी गड़बड़ आ रही है। इससे हम थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो बात ऐसी है, लगातार पोस्टपोन हो रहा है, इसके रीजन से ऐसे बताए गए हैं, एक तो यूएसए कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज किस चीज़ को लेके हैं, एक तो आपको पता है कि यूएसए ईरान न्यूक्लियर ड्यूल से पीछे हट गए हैं, रशिया के साथ रिलेशन को लेके काफ़ी कन्फ्यूज है, तो मतलब और इंडिया के रिलेशन आपको पता है कि ईरान के साथ भी अच्छे हैं और रशिया के साथ भी, और यूएसए की एक पॉलिसी है कि भाई अगर रशिया के साथ आप डिफेंस रिलेशन रखते हो तो यूएसए के साथ आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए यूएसए बड़ा इस मामले में तालमेल मतलब ये इशू बन रहा है। दूसरा इशू यह है कि S-400 डिफेंस सिस्टम है ये एक्चुअली इंडिया रशिया से इंपोर्ट रशिया से बाई कर रहा है, और इस चीज़ को लेके यूएसए को रास नहीं आ रहा। यूएसए कह रहा है भाई आप हमारा थर्ड क्यों नहीं ले लेते, हमारे पास भी जो थर्ड है ना वो बहुत अच्छा है, ये वो है, आप हमारे इनेमी कंट्री से भी वेपन वगैरह क्यों ले रहे हो, टीसी। तो एक ये बात यहाँ पे मतलब थोड़ा अनबनती का इशू आ गया। इसके बाद में बात आती है, देखो इंडिया की सॉरी यूएसए की जो अफगानिस्तान पॉलिसी थी उसमें क्या था कि हाँ भाई इंडिया को वहाँ पे मिलिट्री भेजनी चाहिए, बट आपको पता है इंडिया ने क्लियर कह दिया कि देखो भैया बात ऐसी है आप अपनी जगह हम अपनी जगह, हम कोई मिलिट्री विलिट्री नहीं भेजेंगे, हमसे जो कुछ काम होगा हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे, आप जो कहोगे वैसे हम नहीं करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि देखो अभी आपको बता दूँ संग्रीला जो डायलॉग हुआ था उसमें ये बातें सामने आई थी, इंडिया ने तो क्लियर कहा था कि देखो भैया हम ऐसा हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी कंट्री कुछ कहें उसकी बातों के दबाव में आएंगे, हम हमारी मर्जी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, जिस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं नहीं रखने वो हम डिसाइड करेंगे, कोई दूसरी कंट्री में नहीं बोल सकती कि हाँ भैया आपको इसके साथ ऐसे करना है, ये हुआ हमारी मर्जी, रिलेशन अच्छे रखें तो रखें, नहीं रखें तो नहीं रखें। ये बात यहाँ पे तो कहीं ना कहीं संगला डायलॉग वाली बात सामने आती है कि इंडिया की मर्जी है, इंडिया यूएसए से खरीदे चाहे पाकिस्तान से खरीदे चाहे चाइना से, जहाँ से भी खरीदे वो इंडिया की मर्जी है ना भाई, यूएसए थोड़ी इंटरफेरेंस करेगा कि हाँ आप ये करो वो करो, इंडिया थोड़ी यूएसए को कहता है जाके कि आप ईरान के साथ रिलेशन अच्छे रखो, आप रशिया के साथ ये करो वो करो, और कौन सी यूएसए मान लेते हैं, तो हमारी मर्जी है माने या नहीं माने। इसके बाद में बात आती है अभी एक इन्फॉर्मल सबमिट हुआ था, आपको पता है इंडिया का चाइना के साथ हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे और रशिया के साथ भी हुआ था, तो वो बात भी कहीं ना कहीं यूएसए को रास नहीं आ रही है। तो ये कुछ रीजंस हैं इसकी वजह से हमारा 2+2 डायलॉग है वो थोड़ा पोस्टपोन या गड़बड़ाता जा रहा है। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो ट्रंप को खुद को ही नहीं पता, वो इसलिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्यों, पेरिस क्लाइमेट चेंज से ट्रंप पीछे हट गए, साउथ कोरिया के साथ रिलेशन ढंग से अच्छे नहीं रख पा रहे हैं, जबकि उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बात की जा रही है जापान के साथ कि जापान को भी बोल दिया था कि भाई हम आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ये हुआ है आप अपना खर्चा खुद संभालो। तो मतलब यूएसए के ट्रंप हैं वो खुद कन्फ्यूज़ हो गए कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, और इसी बीच में वो खुद जाल के चक्कर में फंस गए। ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो ये तो थी आज की माय डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। पीडीएफ जैसा मैंने आपको बताया था कि वेलकम यूपीएससी का जो पेज है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं डेली अपलोड कर देता हूँ, अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।